दिस इज योर सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 6 कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट एक्सरसाइज इज चूज द राइट आंसर. कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस. अच्छा, मैंने इसमें करेक्ट ऑप्शन लिख रखे हैं, ठीक है. आप लोग क्या करेंगे, उन करेक्ट ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक. अ जॉयस्टिक इज यूज्ड फॉर वीडियो गेमिंग. जॉयस्टिक का यूज हम लोग वीडियो गेमिंग, वीडियो गेम प्ले करने के लिए करते हैं. ओके, सी पार्ट. अ हार्ड डिस्क इज अ स्टोरेज डिवाइस. हार्ड डिस्क क्या है, स्टोरेज डिवाइस. डी, वन निबल इक्वल टू 4 bits. मैंने यही क्वेश्चन जो आपके इसमें है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, मैंने केवल करेक्ट ऑप्शन ही लिख रखा है. जैसे इसमें विच इज अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी, कैश मेमोरी होती है. मैंने इसका करेक्ट आंसर ही केवल लिखा है, विच इज अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी. करेक्ट आंसर इज कैश मेमोरी. नाउ पार्ट टू, फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स. अ 1 byte जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है वो क्या है, उसका करेक्ट आंसर है. अ 1 byte इज अ ग्रुप ऑफ 8 bits. 1 byte, 8 bit का ग्रुप को हम लोग 1 byte बोलते हैं, नहीं, ग्रुप ऑफ 8 bit इक्वल टू 1 byte. अ लाइट पेन इज एन इनपुट डिवाइस. थर्ड है ईपी रोम. ईपी रोम का फुल फॉर्म सब लोग जानते हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. तो फिलर में क्या भरना था, इरेजेबल. अ सेकेंडरी मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड. सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी. तीनों में से कोई भी एक आंसर आप लिखते हैं तो सही होगा. एन आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाई प्रिंटर कॉल्ड. अगर कोई भी प्रिंट आउट प्रिंटर के थ्रू निकला है तो हम लोग इसको हार्ड कॉपी बोलते हैं, और जो मैं इस समय डिस्प्ले करा रहा हूँ इसको सॉफ्ट कॉपी, ठीक. जो सिस्टम में होगी वो सॉफ्ट कॉपी, और जो प्रिंट आउट पेपर पर प्रिंट होके निकलेगा प्रिंटर के थ्रू उसको हार्ड कॉपी बोलेंगे, क्लियर है. हार्ड डिस्क इज अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस. परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, यस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. All the arithmetic and logical operations performs in ALU. ALU means arithmetic and logic unit. A computer is an electronic device. इसमें electronic fill करना था. जो भी filler है मैंने उनको black pen से लिखा और underline कर रखा है. Third topic is straight, true or false. Joystick is an output device. Joystick क्या है, output device है. ये statement है, जबकि ये फॉल्स है, क्योंकि जॉयस्टिक क्या है, इनपुट डिवाइस है, वीडियो गेम प्ले करने के लिए यूज करते हैं. तो ये स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या हो, फॉल्स हो जाएगा. प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज टेम्परेरी मेमोरी. ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू. प्राइमरी मेमोरी को हम लोग टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं, ठीक है, या वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं. नाउ सी पार्ट, सी स्टेटमेंट. सी, लेजर प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर. नो, देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. अंडर द इम्पैक्ट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर्स हैं, ये सब आते हैं. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या आता है, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर. तो इसका आंसर क्या, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लेजर प्रिंटर को इम्पैक्ट प्रिंटर बोला जा रहा है, जो कि ये गलत है, तो इसको फॉल्स लिखना है. लाइट पेन इज एन आउटपुट डिवाइस. नो, लाइट पेन इज एन अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस. वो इनपुट डेटा इनपुट कराने के लिए, इंस्ट्रक्शन इनपुट कराने के लिए यूज की जाती है, इसलिए ये ट्रू होगा. लाइट पेन इज एन इनपुट डिवाइस, इट इज अ करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट स्टेटमेंट. स्पीकर इज अ आउटपुट डिवाइस. ट्रू, स्पीकर ही आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हम लोग उसी का यूज करके हम लोग साउंड को सुन पाते हैं. माइक का यूज करके मैं बोल रहा हूँ, साउंड का यूज करके या ईयरफोन आप लगाए हैं उसमें भी तो स्पीकर से लगे हैं, साउंड लगे हैं, तो वो क्या है, स्पीकर का यूज करके हम लोग साउंड, जो साउंड सुन सकते हैं, तो ये आउटपुट डिवाइस है. सीपीयू ओनली डज कैलकुलेशन. नो, सीपीयू
सीपीयू का मतलब क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देर आर थ्री पार्ट्स सब पार्ट इन सीपीयू। एएलयू विच इज यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। लॉजिकल एंड अर्थमेटिकल जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो एएलयू परफॉर्म करेगा। सीयू मींस कंट्रोल यूनिट। डेटा की कंट्रोलिंग, इंस्ट्रक्शंस की कंट्रोलिंग का वर्क रहता है कंट्रोल यूनिट के पास। और मेमोरी यूनिट उन इंस्ट्रक्शंस या डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है। तो केवल उसका काम कैलकुलेशन करना नहीं है ना, लॉजिकल डिसीजन लेना भी तो है, इसलिए ऑप्शन फॉल्स हो गया। 1 GB लास्ट जी वाला पार्ट, 1 GB इक्वल टू 1024 byte, फॉल्स, बिकॉज 1024 1024 bytes इक्वल टू 1 KB होता है। और 1 GB की वैल्यू क्या होगी? 1024 MB इक्वल टू 1 GB megabyte, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक, ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट इज राइट द फुल फॉर्म ऑफ। आपके बुक में फुल फॉर्म दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म क्या था, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स थे। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद ट्रू फॉल्स भी आपने कंप्लीट कर लिया। फिल इन द ब्लैंक्स राइट द फुल फॉर्म ऑफ, फुल फॉर्म में देखिए कुछ फुल फॉर्म्स लिखे हुए हैं, मैं इनको डिस्प्ले करा रहा हूँ, आप आराम से देख सकते हैं। जैसे वीडियो, फर्स्ट ऑप्शन इज वीडियो। वीडियो मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो का फुल फॉर्म क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। एंड सेकेंड वन इज ALU, ALU means arithmetic and logic unit. MU means memory unit. CU stands for control unit. ALU, MU and CU are the part of CPU. ROM, ROM stands for read only memory. PROM, PROM means programmable read only memory. Clear? CPU, CPU stands for Central Processing Unit. MICR, MICR stands for Magnetic Ink Character Reader. MICR stands for Magnetic Ink Character Reader. OCR means Optical Character Reader. DVD, DVD stands for Digital Versatile Disk. Digital Versatile Disk. Clear? Now, EPROM, EPROM is erasable programmable read only memory. Clear? PV, PV means petabyte. And XB, XB means क्या होता है? Exabyte. And last one is ZB, ZB means joltabyte. कहीं कहीं इसको zettabyte भी लिखा होगा. Both name are correct. Both names are correct. मैंने आज आप लोगों को चूज द करेक्ट आंसर या राइट आंसर, कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या है? वीडियो गेमिंग के गेम्स के लिए है। हार्ड डिस्क क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। 1 NB = 4 bits विच इज अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी कैश मेमोरी, मैं ये रिपीट करा रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स में अ इज अ ग्रुप ऑफ 8 bit, क्या होता है? अब 1 byte या अ byte इज अ लाइट पेन इज एन इनपुट डिवाइस। EPROM स्टैंड फॉर, इसमें क्या फिल किया जाएगा? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल फिल किया जाएगा। अ सेकेंडरी मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक। एन आउटपुट प्रोड्यूस बाई प्रिंटर कॉल्ड हार्ड कॉपी। एंड लास्ट एफ पार्ट इज अ हार्ड डिस्क इज अ स्टोरेज, क्या? परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म इन ALU मीन्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ। ट्रू फॉल्स में जॉयस्टिक इज एन आउटपुट डिवाइस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? जॉयस्टिक क्या इनपुट है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी जो ऑप्शन उन्होंने, टेम्परेरी मेमोरी, ये क्या है? ट्रू। लेजर प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर, फॉल्स। लाइट पेन इज एन इनपुट डिवाइस, ट्रू।
स्पीकर इज अ आउटपुट डिवाइस इज एन आउटपुट डिवाइस, ये फॉल्स हो जाएगा, सॉरी ट्रू होगा, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। ई वाला पार्ट ट्रू रहेगा। एफ सीपीयू ओनली डज कैलकुलेशन, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ लास्ट स्टेटमेंट इज 1 GB इक्वल टू 1024 बाइट, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो फॉल्स। क्लियर। नाउ फुल फॉर्म वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, MU मीन्स मेमोरी यूनिट, CU मीन्स कंट्रोल यूनिट, ROM मीन्स रीड ओनली मेमोरी, PROM मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, MICR मीन्स MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, एंड OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, एंड VDU स्टैंड्स फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट, एंड EPROM स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्लियर। PB मीन्स पेटाबाइट, EB मीन्स एग्जाबाइट, एंड ZB मीन्स जेटाबाइट या जोल्टाबाइट, बोथ नेम्स आर करेक्ट, ZB मीन्स जोल्टाबाइट। ये थी एक्सरसाइज। नाउ क्वेश्चन आंसर की सीरीज में क्वेश्चन आंसर भी है, अब इसका हम नेक्स्ट डे रखेंगे क्लास। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।